आइए बच्चों, तो आज शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 से करेंगे, ठीक है? तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। अजय, भावना एंड श्रेया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। ऑन 1 July 2022 श्रेया डाइड। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 March एवरी ईयर। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी ड्राइंग बनाता रहता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये एक पार्टनरशिप फर्म है जो 31 March को अपने अकाउंट्स क्लोज करती है, ठीक है जी। तो इसका फाइनेंशियल ईयर 1 April से स्टार्ट होता है और 31 March को ख़त्म हो जाता है। अब लिखा है श्रेया डाइड ऑन, श्रेया के बारे में बता रहा है, श्रेया डाइड ऑन 1 July 2022। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ जहाँ पे स्टार डाला है। तो 1 July 2022 श्रेया डाइड, एस डाइड। तो बताओ श्रेया कितने महीने बाद मर गई? चार। वेरी गुड। तो दो थप्पड़ लगाओ, लगाओ दो थप्पड़। अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना और जून का पूरा महीना, जुलाई का तो काउंट ही नहीं करेंगे, वो तो 1 तारीख हो गई। तो कितने महीने बाद मर गई श्रेया? 3 months। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। उसके बाद लिखा है सेल्स फॉर द ईयर 2021-22 5 लाख। ठीक है, तो हमें पिछले साल की सेल्स दे रखी है जी 5 लाख रुपए पिछले साल की। एंड दैट फ्रॉम 1 April टू 30 June 2022 वर 1,40,000। और आपको 1 April से लेकर 30 June 2022 तक की भी सेल्स दे रखी है 1,40,000, मतलब इतनी 3 महीनों की सेल्स है 1,40,000। उसके बाद रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 years हैड बीन 10%। कह रहा है प्रॉफिट का रेट जो है पिछले 3 साल से 10% है ऑन सेल्स। ठीक है, सिंस श्रेयाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज हर ओनली सन, श्रेया का सिर्फ एकमात्र बेटा है, हु इज डिफरेंटली एबल्ड, जो डिफरेंटली एबल्ड है, इट वॉज डिसाइडेड दैट, इसीलिए ये डिसाइड किया गया, प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग श्रेयाज अकाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड एज 20% ऑन सेल्स। इसका मतलब ये कि वैसे तो हम 10% प्रॉफिट कमाते हैं अपनी सेल्स पर, लेकिन क्योंकि श्रेया का सिर्फ एक ही बेटा है और वो भी डिफरेंटली एबल्ड है, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम 10% की बजाय 20% प्रॉफिट देंगे। तो अब अगर सेल्स 1,40,000 है तो क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हो? कितना आएगा निकालना ज़रा, 20% निकालो, 20% कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, कितना आएगा जी 28,000। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये 3 महीने के प्रॉफिट्स कितने रुपए हम कंसीडर करेंगे? 28,000। तो क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला कि 20% लेने, समझ गए बात? ठीक है, अब इसमें हम श्रेया का शेयर निकाल के श्रेया को दे देंगे। तो श्रेया का शेयर कितना है एक बार देखें, श्रेया का शेयर है जी 1/5। तो आप 25,000 का 1/5 निकाल लो, श्रेया का आंसर आ जाएगा कितना आएगा 5,600। तो हम श्रेया के बेटे को, यानी कि श्रेया के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 5,600 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देंगे। समझ आ गया, क्लियर हो गया सबको? बाकी आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट श्रेयाज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ, ठीक है, एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम। ठीक है, तो ये 2018 का कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया था। तो शेयर तो हमने निकाल ही लिया, अब बस आप जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी, वो आप बताओ। शेयर ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या लिखवाई थी?
हाँ तो अभी बच्चों की आवाज़ कम निकल रही है मुंह से। तो लिखो जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री थी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। तो हम श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके कैपिटल में दे देंगे, ठीक है। तो बस आप ये नोट कर लो, और वो छोटी सी प्रॉफिट की वर्किंग भी नोट कर लो बस। चलो तो अगला प्रश्न करते हैं जी, 24। इस पर आप एक स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 4 मार्क्स का। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:1। तो तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जी। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म अपनी किताबें 31 मार्च को हर साल बंद करती है। ऑन 1 फरवरी 2023 वाई डाइट। चलो पहले इतना डायग्राम बना देता हूँ। तो कह रहा है कि फर्म अपनी किताबें हर साल 31 मार्च को क्लोज कर देती है। तो ऐसे ही बनाने के लिए बना लेते हैं भाई, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, और फिर इस साल 1 फरवरी 2023 को लिखा है जी वाई डाइट, वाई की मृत्यु हो गई। तो अब आपको फिर से ये बताना है जी, अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो कितने महीने बाद वाई की मृत्यु हो रही है, बताओ। ढंग से काउंट कर लिया इस बार, वेरी गुड। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस फरवरी नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 1 तारीख को अब मर गया, तो 10 मंथ्स बाद वो मर गया। बिल्कुल सही। तो भाई यहाँ तक क्लियर है पहले सबको? ठीक। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाई डाइट एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट, फिर ये डिसाइड हुआ वाई के मरने के बाद, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी इक्वल। ओ माई गॉड, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? रेशियो क्या हो गया? मतलब चेंज हो गया भाई। सबको ये याद आई स्टोरी? इसका मतलब एक्स और जेड ने अपना रेशियो क्या कर लिया? चेंज कर लिया। अगर चेंज नहीं करते तो आप पीएनएल सस्पेंस यूज करते, लेकिन अब तो चेंज कर लिया तो अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? गेनिंग पार्टनर, है ना। तो वो बातों का ध्यान रखें। बाकी आगे लिखा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या है? ए, हिज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस। अब उसके आगे ऑफ के बाद पढ़ना कि हम उसका गुडविल का शेयर कैसे निकालेंगे, मतलब जो पार्टनर मर गया उसका गुडविल का शेयर कैसे निकलेगा ऑन द बेसिस। इस पे स्टार लगा लेना, इसी बात का स्टार है बस क्वेश्चन पे। ऑन द बेसिस ऑफ के बाद, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, तो ये लाइन मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन इस लाइन में लिखा है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट का मतलब है जो हमने उसे दिए, हमने मतलब फर्म ने। क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट का मतलब है फर्म ने उसे दिए, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, तो वो अभी देख लेंगे। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स वर, हमें 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है, चलो तो पहले हम गुडविल का शेयर ही निकालते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो आओ जी। तो आप एक बार ये बताओ कि पिछले 4 साल के हमें क्या प्रॉफिट्स दे रखे हैं, पिछले 4 साल के एक बार फिगर्स बताना। 2018-19 का दे रखा है 1,50,000, फिर 1920 का दे रखा है 1,50,000,
फिर 2021 का दे रखा है 50,000 और 2021-22 का दे रखा है 1,00,000। तो आप देखते रहना पहले सीखने के लिए, चाहे लिखने की अभी जल्दी मत करना, पहले आप चीज़ों को समझना। तो 4 साल के ये प्रॉफिट्स क्वेश्चन ने हमको दे रखे हैं, ठीक है, 4 साल के। अब जब भी प्रॉफिट आएगा किसी भी साल, आप बस ऐसे सोचो, हर साल के प्रॉफिट्स हम तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे। हर साल के प्रॉफिट्स किन में बटेंगे? तीनों पार्टनर्स में। और किस रेशियो में बटेंगे हर साल के प्रॉफिट? जो भी दे रखा है इनका रेशियो 4:3:1 में बटेंगे, राइट। अब लेकिन आप वाई पर फोकस करो कि वाई का शेयर कितना था, 3/8, यही था 3/8। तो हर साल जितना भी प्रॉफिट होता होगा, आप उसमें सिर्फ Y पर फोकस करो कि Y को कितना मिलता होगा। आप उस पर फोकस करो कि हर साल जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें Y को कितना मिला होगा पिछले 4 वर्षों में, वो निकालते हैं हम। तो अगर Y का शेयर है 3/8, तो एक बार आप ये कैलकुलेशंस कर करके मुझे वैल्यूज बताना कि Y को हर साल कितना प्रॉफिट मिला होगा। हम ये निकाल रहे हैं कि पिछले 4 साल में वाई को कितना प्रॉफिट मिला है, हम ये निकाल रहे हैं पिछले 4 साल में। तो ये आप लिख लो, आप यहाँ से नोट कर लो, चाहे यहाँ से नोट कर सकते हो, इट इज़ अ वर्किंग, कि पिछले 4 साल में वाई को कितना प्रॉफिट मिला होगा, हम ये निकाल लेते हैं। तो एक बार मुझे भी बताओ फिगर, 56,250 ओके, प्लस 37,500, प्लस 18,750, प्लस 37,500। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। अब इन सबको भी जोड़ लो एक बार, इन सबको जोड़ के कितना आ जाएगा, 1,50,000, 1,50,000। तो इसका मतलब हमने वाई को पिछले 4 वर्षों में इतना प्रॉफिट दिया है। पहले आप सब बच्चे इससे संतुष्ट हैं, मैं ब्रैकेट में इंग्लिश लिख देता हूँ कि ये 1,50,000 बेसिकली क्या है, 1,50,000 है प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू वाईज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 वर्षों में आपने वाई को इतना प्रॉफिट दिया है। पहले सब बच्चे इसमें मुझे बताओ, यस, सब ओके हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हम थोड़ा जल्दी भी निकाल सकते हैं, ये तो मुझे क्योंकि समझाना था मैंने इसलिए ऐसे करवाया। अगर मान लो आप 4 साल के प्रॉफिट्स इकट्ठे जोड़ लो, आप 4 साल के प्रॉफिट्स एक बार इकट्ठे जोड़ना, कितना आएगा, 1,50,000 + 1,00,000 + 50,000 + 1,00,000, 4,00,000। और आप अगर सीधा 4,00,000 का 3/8 निकालना, अगर आप सीधा 4,00,000 का भी 3/8 निकालोगे तो कितना आएगा, मान लो मुझे जल्दी करना हो तो मैंने 4 साल के प्रॉफिट्स इकट्ठे लेकर फिर 3/8 निकाल लिया तो कितना आएगा, तो भी यही आएगा 1,50,000। तो क्लियर हो गया पहले आपको पॉइंट कि हमने वाई को पिछले 4 साल में कितना प्रॉफिट दिया है, 1,50,000। पहले आप इस फिगर तक सब बच्चे संतुष्टि से पहुंच चुके, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब उसने क्या अंग्रेजी यूज करी, आओ क्वेश्चन देखना उसकी चलाकी। उसने कहा है कि गुडविल का शेयर कैसे निकाला जाएगा, हिज शेयर ऑफ गुडविल, कह रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल जो होगा वो कैसे निकलेगा, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑफ के बाद शब्द पढ़ो क्या दे रखा है, ऑफ क्या लिखा है, ये शब्द बोलो अपने मुंह से क्या लिखा है, ये हाफ। तो कह रहा है हमें गुडविल का शेयर कैसे निकालना है, उसका हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिम। अब हमने पिछले 4 साल में उसको कितना प्रॉफिट क्रेडिट करा है, 1,50,000। तो वो कह रहा है आप इसका हाफ कर दोगे
तो फिर हमें वाइज शेयर ऑफ गुडविल का पता लग जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की अंग्रेजी की वजह से ये मुश्किल होगा, या कह लो स्टार लगाया, अकाउंट्स की वजह से स्टार नहीं लग रहा, ये इंग्लिश की वजह से इस क्वेश्चन पे स्टार लगाया गया। तो कह रहा है वाई के शेयर का गुडविल हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट होगा, तो आप हाफ कर लो 1,50,000 का, 75,000, राइट। तो बेसिकली ये उसका शेयर ऑफ गुडविल आ गया। तो ये क्वेश्चन अपने इंग्लिश की वजह से इंपॉर्टेंट था, ठीक है? तो आप सब बच्चों को समझ आ गया? चलो अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, फिर बाद में एंट्री कर लेंगे। तो ए पॉइंट में आपने गुडविल का शेयर तो निकाल लिया, अब बी पॉइंट में लिखा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उसका प्रॉफिट का शेयर निकालना है इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट टू ईयर्स। कह रहे हैं बस पिछले दो साल के एवरेज प्रॉफिट लेने हैं आपको, बस पिछले दो साल के। तो पिछले दो साल कौन कौन से होंगे? लास्ट टू ईयर, मतलब लास्ट टू ईयर का प्रॉफिट क्या क्या होगा? 1,50,000। तो कह रहे हैं आप लास्ट टू ईयर के प्रॉफिट का एवरेज ले लो और फिर इस साल के प्रॉफिट का मतलब आंसर निकाल दो। तो वो निकालते हैं, आ जाओ। तो वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं, आ जाओ, ठीक है? इसकी पूरी मैथमेटिक्स करते हैं। तो पहले तो पिछले दो साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं, मतलब 1,50,000, इन्हें जोड़कर दो से भाग दे दो तो ये कितना आ जाएगा? 75,000, ठीक है? तो इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 75,000। अब ये एवरेज प्रॉफिट जो होता है 75,000, ये तो पूरे 12 महीने का होता है, पूरे साल का होता है। अब वाई की डेथ कितने महीने बाद हुई? 10 महीने बाद। तो अब आपको ये 10 महीने का निकालना पड़ेगा, तो इनटू क्या करेंगे हम? 10/12। तो अब आप 75,000 को 10/12 करके बताना क्या आएगा? 62,500, ठीक है, वेरी गुड, दोस्त ने निकाल लिया 62,500, ये आएगा 10 महीने का प्रॉफिट 62,500। अब क्या ये पूरा वाई को दे दोगे आप? क्या ये पूरा शेयर, ये जो 62,500, ये जो 10 महीने का प्रॉफिट निकला, ये पूरा का पूरा वाई का है? नहीं। तो इसमें से सिर्फ वाई का शेयर कितना होगा? 3/8। तो आप 62,500 का अब 3/8 भी निकाल लीजिए तो आपको वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट पता लग जाएगा। तो ये मुझे भी बता देना, एक बच्चे ने भेजा है सर 23,438 अप्रोक्स। तो आप देखो कि आप कभी इसी के आसपास आ रहे हैं क्या? तो इसी के वैसे आसपास ही आएगा, तो आप लिख ही लो, नहीं भी आ रहा तो यही आएगा, क्योंकि 62,500 है, 8 से भाग देंगे, 3 से गुना करेंगे, तो लगभग फिगर 23,000 के आसपास ही आएगी, तो यही आएगी वैसे। तो 23,438 अप्रोक्सीमेटली ये शेयर ऑफ प्रॉफिट वाई का आ जाएगा, ठीक है? तो क्लियर हो गया सबको पहले? चलो अब आप ओरली सुनाना, कर पाऊंगा मैं। गुडविल की एंट्री क्या होती है? अब शेयर ऑफ गुडविल की बताओ। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू वाई, हाँ मतलब वही। और शेयर ऑफ प्रॉफिट की, इसमें भी क्योंकि रेशियो चेंज हो गया तो अब पीएनएल सस्पेंस नहीं लिखेंगे, तो अब दोनों की सेम एंट्री होगी। बात समझे? शेयर ऑफ प्रॉफिट की भी एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू वाई, मतलब दोनों चीजों की एंट्री सेम होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू वाई। हाँ, सेक्रीफाइसिंग होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो अब वर्किंग में ये निकालते हैं कि एक्स और जेड में से किसने गेन करा और किसने सेक्रीफाइस करा। तो अब इसके नीचे लिख लेते हैं एक्स और जेड,
एक्स और जेड का ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड 4/8 1/8, और नया हो गया था इक्वल, तो 4/8 1/8 और नया हो गया था इक्वल, तो -1/2 -1/2। तो अब ये सॉल्व करो, x का कितना आएगा, x का 0 और z का -3/2। तो इसका मतलब गेनिंग रेशो क्या बन गया, सिर्फ z गेन कर रहे हैं। तो मतलब हमारी एंट्री में खाली हम z को डेबिट करेंगे क्योंकि z गेन कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री पता है क्या बन जाएगी, z को डेबिट करेंगे क्योंकि z गेन कर रहा है, x को कुछ नहीं लिखना और 2y। तो गुडविल की भी यही एंट्री होगी और शेयर ऑफ प्रॉफिट की भी यही एंट्री होगी। तो आपको दोनों अलग अलग करनी है या इसी में अमाउंट जोड़ के लिख लें, जोड़ के लिख लेते हैं आप, ठीक है ना। तो इसी में आप जोड़ के ही लिख लो, अलग अलग क्या टाइम वेस्ट करना। तो 75,000 और 23,438 दोनों जोड़ लो, कितना आएगा, 98,438। तो बस, तो ये बन जाएगी आपकी एंट्री। चलो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर आपको बनाना है एक सी का सिंबल, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब अल्टीमेटली चैप्टर आप समझना यहाँ से शुरू हो रहा है। इससे ऊपर की बातें तो सिर्फ वार्म अप के लिए थी, वार्म अप है ना, वार्म अप करते हैं ना जैसे हम, तो वो तो सब एक वार्म अप था कि भाई ठीक है चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन कर लिए। एक्चुअल में इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से मैं सिखाता हूँ आपको, तो पढ़ते हैं। शिरीष, हरित एंड आशा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1, ठीक है। शिरीष डाइड ऑन 30 जून 2018, तो शिरीष की मृत्यु हो गई 30 जून को 2018 को। तो बताओ बैलेंस शीट एज फॉलोज दे रखी है 31 मार्च 2018, तो बताओ कितने महीने बाद मृत्यु हुई, कितने महीने बाद देहांत हुआ शिरीष का, 3 महीने बाद, वेरी गुड। बाकी बैलेंस शीट देख लो भैया, बैलेंस शीट में आपको क्या नज़र आ रहा है बताओ, चॉकलेट, वेरी गुड। तो इतनी देर में 10 बार नज़र आ जाना चाहिए भाई। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर का क्या मतलब होता है, चॉकलेट भाई। अगर वो खाली इसको ऐसे लिखने की बजाय मान लो यूं दे देता, मान लो ऐसे ना लिखा होता और इसकी जगह ऐसे लिखा होता PNL, तो क्या बोलते, बोलते हैं ना चॉकलेट। तो ये भी तो प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब क्या है, PNL। तो ये आपके लिए फ्री रिजर्व है, चॉकलेट है, तो चाहे आप मार्क कर लो अपनी किताब में या रजिस्टर में लिख लो चॉकलेट। अब लिखा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के तहत इन एडिशन टू द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति मर जाएगा तो हम उसकी कैपिटल के अलावा उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या देंगे, एंटाइटल टू का मतलब है उसे क्या मिलेगा। तो देखो नंबर वन नंबर टू दो चीज़ें मिलेंगी। नंबर वन में लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द एवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट टू ईयर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर 2016-17 वॉज 60,000, ठीक है। सेकेंड, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। तो दो बातें हम निकालेंगे, बाकी कह रहा है प्रिपेयर शिरीष कैपिटल अकाउंट। चल तो ये हम सीखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। छोटा सा डायग्राम आपको अगर बनाना है तो बना लो, नहीं बनाना तो
कोई बात नहीं, देख लेना। तो 2016-17 में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, चलो मुझे फिगर बताओ। 2016-17 में कितना प्रॉफिट कमाया? 60,000। 2017-18 में कितना प्रॉफिट कमाया? वो कहाँ दे रखा है? बैलेंस शीट में, ठीक है। और इस साल करंट ईयर में उसकी 3 महीने बाद ही मृत्यु हो गई शिरीष की, 30 जून 2018 को। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी, पहले क्वेश्चन समझ आया? तो पहले क्या करना है, पहले ढांचा बनाना है या पहले वर्किंग करनी है? पहले ढांचा, एग्जाम में पहले क्या बनाना है आपको? शिशिर शिरीष कैपिटल अकाउंट। तो आपको एग्जाम में पहले ढांचा बनाना है, वर्किंग उसके नीचे होगी। और ये डायग्राम भी नहीं बनाना एग्जाम में, कहीं आप ये डायग्राम भी बना के आओ, आपका एग्जाम का सॉल्यूशन यहां से शुरू होगा। तो ऐसे लिख लो, तो एक सुंदर सुशील कैपिटल अकाउंट बनाओ। डेबिट क्रेडिट, चलो ठीक है। अब इसमें कैपिटल अकाउंट में अभी खाली कोरा कोरा लिख लेते हैं, कोरा कोरा मतलब ब्लैंक, अभी फिगर नहीं लिखेंगे, लेकिन ऐसे ही बस खाली खाली लिख लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी, बताओ इसमें क्या लिखोगे, बस ओरली मुझे बताते रहो इसमें क्या लिखोगे। उसकी कैपिटल, हाँ क्या दे रखी है? 1 लाख, ठीक है, चलो लिख ही लो। फिर अब बताना बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, बताओ इसमें क्या लिखोगे? हाँ, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख लो वर्किंग नोट, ये अभी थोड़ी देर में निकालेंगे। उसके बाद बाय पीएनएल अकाउंट, बताओ उसमें क्या लिखेंगे? बताओ उसको क्या देंगे हम? चॉकलेट का शेयर, है ना। उसके बाद बाय हरित कैपिटल और बाय आशा कैपिटल, बताओ इसमें क्या लिखेंगे हम? वेरी गुड, शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल की एंट्री करेंगे ना, वो अभी वर्किंग नोट में करेंगे। समझ गए बात? तो ये अभी खाली छोड़ दो, जब निकालेंगे तब की तब सोचेंगे। तो क्लियर हो गया आपको, एग्जाम में ये ढांचा बनाना है। तो अब हम वर्किंग करते हैं। तो पहले हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, है ना। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए लिखा है कि भैया शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। तो 2 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 60 और 80। चलो तो वर्किंग में चलते हैं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने सेम वर्किंग करी थी ना, तो वैसे ही कर लेते हैं। तो शिशिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज करेंगे बच्चों जी हम। 60,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 2। चलो तो ये आप करो सॉल्व, तो कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट? 70,000, ठीक है। तो ये तो कितने महीने का प्रॉफिट होता है, होल ईयर का, पूरे साल का। तो ये तो 12 महीने का प्रॉफिट हो गया 70,000। अब शिशिर कितने महीने बाद मरा? 3 महीने बाद मरा। तो अब आपको 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है जी। तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा? 22,500। एक मित्र ने निकाल लिया हमारे,
तो 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा 22,500। यहां तक क्लियर है पहले सबको? यहां तक ओके? तो अब ये 3 महीने का जो प्रॉफिट आया 22,500, क्या आप ये पूरा का पूरा शिशिर को दे दोगे? नहीं। तो शिशिर का कितना शेयर है? आओ देखते हैं शिशिर का कितना शेयर है जी। 5/10। तो अब आपको 22,500 का शिशिर का शेयर निकालना है, यानी कि 5/10 कितना आएगा? 11,250। चलो, तो आप पे भरोसा करके मैं ये लिख रहा हूँ, गलत हुआ तो आप जिम्मेदार, सही हुआ तो मैंने करवाया। तो ओके जी, तो क्लियर है सबको? चलो ठीक है। तो अब ये फिगर आप कहाँ लिखोगे, चलो ये बताओ। हाँ, वहाँ पे अब लिख दो। तो हमने ऊपर जगह छोड़ रखी थी ना, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 11,250। ये सही है ना पक्का? लिखने से पहले एक बार मेक श्योर भी कर लो। सत्रह 500 का आधा, ओ माई गॉड, ये तो 8750 आ रहे हैं। 75,000 का 3/12 तो था 17,500। अब तुमसे 500 रुपये लेंगे क्लास के बाद, ठीक है? तुमने इतनी भयंकर ब्लंडर करवा दिया। हाँ, 17,500 आएगा और उसका 5/10 ये आएगा, यही आ रहा है ना? ठीक है, मैं रिया से पूछा करूँगा, तुम बेकार। तो 8750 लिखना है बच्चों, सही 8750। हाँ ठीक है, अब सही आ रहा है 8750। चलो, तो अब ओके हो गया सबको, पहले समझ आया प्रोसेस? चलो, अब हम निकालते हैं गुडविल का शेयर। तो गुडविल के लिए उसने बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज, 2 साल की परचेज लेनी है आपको, ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स प्रॉफिट। तो 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है और 2 ईयर की परचेज लेनी है। तो ये तो यही निकाल देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 2 साल का? 70। और 2 ईयर परचेज इससे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2, तो गुडविल कितनी आ गई? 140। तो क्लियर हो गया? अब गुडविल की एंट्री कर लेते हैं चलो वर्किंग में। तो गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे, क्या सिखाया था? सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या कसम खिलवाई थी? टू शिशिर कैपिटल, और उसका फॉर्मूला क्या था? गुडविल इंटू हिज शेयर। तो 1,40,000 इंटू 5/10, ये आ गया जी 70। और डेबिट किस किस को करेंगे? एच को और ए को, गेनिंग पार्टनर्स को, जो दोनों बच गए। बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि ये दोनों बच गए, और उनका गेनिंग रेशियो कितना है वो देख लेते हैं। शिशिर तो मर गया, इन दोनों का क्या रेशियो बच गया? 4:1। तो 4:1 में बांटिए जी, तो 70,000 को 4:1 में बांटो, 14,000 × 4 = 56, और 14,000 × 1, ठीक। तो क्लियर हो गए सबको? गुडविल की एंट्री ओके, समझ आई दोस्त? चलो, तो एच को डेबिट 56 और ए को डेबिट 14,000। तो ये दोनों लिख लेते हैं फिगर अब अपने अकाउंट में, एच 56 और ए 14,000। तो एच के आगे लिख लो 56 और ए के आगे लिख लो 14,000, ठीक है? तो क्लियर हो गई पोस्टिंग? बस अब एक चीज बची है, शेयर ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट में उसका शेयर, चॉकलेट कितने की थी? 80,000 की।
तो 80,000 का उसका शेयर निकाल लो, शिष्यर का 5/10 40,000। ठीक है, अब क्रेडिट साइड का टोटल जोड़िए जी। मेरा आ रहा है 2,18,750। तो अब आपका डेबिट में, क्योंकि कोई और फिगर तो है ही नहीं, तो यही बैलेंस बच जाएगा 2,18,750। तो इसे क्या नाम देंगे? हाँ, शिशिर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये सिखाया था ना, कॉन्सेप्ट में लिखवाया था बस। सही, तो शिशिर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो इस बात के एग्जाम में 6 नंबर मिलते हैं आपको, मतलब मिनिमम 4, बाकी 6 नंबर तक भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो सी भी बनाना है आपको, और इस पर लिखना है 100%। बस, तो जब भी डेथ का क्वेश्चन करना हो रिवीजन, ये एक क्वेश्चन कर लेना तो मतलब आप समझ लेना कि 70% क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल प्योरली एग्जाम क्वेश्चन है। तो अब ये पढ़ते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या है। बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी हूवर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:4 ऑन 31 मार्च वॉज एज फॉलोज। ठीक है, तो एक बार बैलेंस शीट में देखो क्या नजर आ रहा है। चॉकलेट, वेरी गुड। बस, ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2019, तो ए की मृत्यु 1 अक्टूबर 2019 को हो गई। बताओ कितने महीने बाद मर गया ए? 6 मंथ्स बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर नहीं काउंट करेंगे क्योंकि पहली तारीख को मर गए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। ए, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। चलो ठीक है। बी, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वॉज 50,000। ठीक है, पिछले साल का प्रॉफिट है 50,000। सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। ठीक है, IOC 6% पर एनम देंगे, ओके। और डी, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वर 35,000। चलो तो मज़े आ गए थोड़े से। तो कह रहे एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं हमारे पिछले 3 साल के, वो 35,000 है। तो उसने खुद ही दे दिए कि 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं, 35,000। तो अब 2 ईयर्स की परचेज है तो इंटू 2 कर दो तो कितने आ गई गुडविल, 70। तो ये तो यहीं निकल गई, ओके हो गया भाई। चलो, प्रिपेयर ए कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर 2020 कंपार्टमेंट। चलो, तो बनाओ सॉल्यूशन ढांचा। एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। तो कोरे कोरे लिख के छोड़ देते हैं। बाय बैलेंस BD, ये आप बताओगे। उसके बाद बाय PNL सस्पेंस अकाउंट, ये आप बताओगे। उसके बाद बाय बी कैपिटल, बाय सी कैपिटल, ये आप बताओगे। उसके बाद बाय जनरल रिजर्व, ये आप बताओगे। फिर टोटल कर देंगे, वो भी आप बताओगे। और फिर ये जो बैलेंस बचेगा वो भी आप बताओगे। ठीक है सर।
तो सर मतलब सब कुछ हम बताएंगे। हाँ जी, सब कुछ आप बताओगे, उसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। चलो ठीक है सर। तो ये कोरा ढांचा तो मैंने बनवा दिया, अब इसमें किसमें कितनी फिगर लिखनी है, अब आपको अपने आप बुद्धि लगानी है, अपने हुनर का प्रदर्शन करना है, तो करिए जी। चलो सर, तो अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। तो हम सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं, वो आपने लिखा बाय बैलेंस बीडी कितना लिखा, ए की कैपिटल 60, ठीक है जी। अब हम वर्किंग नोट में आपके साथ सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा था पॉइंट नंबर 1 में, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो गुडविल तो हमने निकाल ही ली थी 70,000, ये तो सबको गिवन हो गया था। अब गुडविल की एंट्री क्या करेंगे वर्किंग नोट में बताओ। चलो क्या था स्टेप, सबसे पहले लिखेंगे 2A, उसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल इंटू हिज शेयर 3/10, तो ये कितना आएगा 21,000। और डेबिट किन दोनों को कर देंगे, बी और सी जो बच गए, किस रेशियो में, जो बचेगा रेशियो 3:4। अब तो ये चैप्टर में काफ़ी बार बता दी ना बात, क्योंकि बी और सी का रेशियो जो बच गया 3:4, तो कितना आएगा बांट के 9,000 और 12,000। तो कितने बच्चे ऐसे थे जिनका कम से कम, चलो ये गुडविल ठीक था, ठीक है, तो आपका गुडविल ठीक था, इतना ओके हो गया। चलो ओके, तो ये फिगर पुट कर लेते हैं, तो बी में लिख लेते हैं 9,000, सी में लिख लेते हैं 12,000। दूसरी वर्किंग कर लेते हैं। अब हम उसने कहा था पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा था, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो आपको पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है कि भाई पिछले साल लास्ट ईयर हमने प्रॉफिट कमाया था 50,000 पिछले साल। अब इस साल वो कब मर गया, 1 अक्टूबर को, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। तो ये जो उसने आपको पिछले साल के प्रॉफिट दिए हैं, ये इसी लिए दिए हैं ताकि आप इन प्रॉफिटों में क्या निकाल सकें, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, समझ गए बात। तो अगर पिछले साल का प्रॉफिट 50,000 दे रखा है तो वो तो पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना हो गया 25,000, और उसमें ए का शेयर कितना है 3/10। तो उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 7,500। तो भाई ओके हो गई कहानी, ये किस किस का सही था। चलो तो ये भी ओके है, तो यहाँ तक क्लियर, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम, आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है उसे। तो ए की कैपिटल कितनी दे रखी है आपको 60,000, यही दे रखी है ए की कैपिटल। तो आपने निकाला उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, कितना आएगा, अच्छा तो चालू हो गए। तो 6% पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का, 6% पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का, लेकिन वो तो 6 महीने बाद मर गया, ठीक है चौहान साहब। तो आपको खाली 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि वो 6 महीने बाद मर गया। तो आप उसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, बस 1800। तो ये फिगर मुझे लगता है कई बच्चों की नहीं होगी, तो ये थी किन किन की, ये भी थी, तो इसमें कम है। तो बस क्लियर हो गई बात, तो आपको समझ आ गया, सब बच्चों को क्लियर हो गया। चलो अब कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया लिखाया दिखाया सब करा था कि जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है और जो भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इफ एनी, ऐसा कॉन्सेप्ट में लिखवाया था,
उसको हम कौन से खाते के जरिए पार्टनर में डालते हैं? पी एन एल सस्पेंस, राइट। तो इसीलिए आपके कोरे खाते के अंदर मैंने पी एन एल सस्पेंस अकाउंट लिखवाया था। तो आप उसमें ये दोनों फिगर जोड़कर अब लिख सकते हो मेन अकाउंट के अंदर 7500 और 1800, तो कितना आ जाएगा? 9300। ठीक है, अब समझ आ गया, तो आपकी सारी वर्किंग हो गई। बाकी जनरल रिजर्व में तो आपने लिख ही लिया होगा, कितना लिखा? 40,000 का 3/10 उसका शेयर 12,000 बस। तो अब टोटल बताओ मुझे भी, 1,02,300। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर आप चेक करना, उसमें पी एन एल सस्पेंस आपको लिखवाया था 1,02,300। तो बस एग्जीक्यूटर में 1,02,300 रुपये ट्रांसफर। तो क्लियर हो गया, समझ आया क्वेश्चन? परफेक्ट। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन 22, ये करके देख लेते हैं। तो मेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यही हैं, बाकी वैरायटी के लिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, बी डाइड ऑन 30 सितंबर। ओके, तो बी की मृत्यु 30 सितंबर को हो गई, तो बताओ कितने महीने बाद मृत्यु हुई? 6 महीने बाद, वेरी गुड। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज एस्टिमेटेड एट 3,60,000। तो कह रहा है कि भाई इस साल की बिगिनिंग से लेकर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर जब तक डेथ हुई, डेथ कब हुई? 30 सितंबर 2022 को डेथ हो गई बी की। तो कह रहे बिगनिंग से लेके डेट ऑफ डेथ तक लॉस हुआ है हमें, कितना लॉस हुआ है इन 6 महीनों में आपको? 3,60,000 का लॉस हुआ है, ये दे रखा है। अब कह रहे अखिल एंड चारू डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ओ, तो इसका मतलब क्या हो गया? रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया, वेरी गुड। तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड भुवन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो करते हैं सिंपल, तो पहले तो विक्रम का वो निकालते हैं शेयर, तो बीज शेयर ऑफ लॉस निकालो, तो कितने महीने बाद मरा वो? 6 महीने बाद। तो 6 महीने का लॉस आपको दे रखा है 3,60,000, 6 महीने का लॉस है 3,60,000। तो अब इस लॉस में विक्रम का शेयर निकालो, कितना आएगा? 1,20,000, यही आ रहा है, ठीक है। अब जर्नल एंट्री आप बताओ, जर्नल एंट्री तो क्या सिखाया था? शेयर ऑफ लॉस की एंट्री थी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या आप 2 PNL सस्पेंस लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रेशियो चेंज हो गया। ठीक है भाइयों बहनों, सबको बात याद रहेगी, जब रेशियो बदल जाता है तो आप पी एन एल सस्पेंस नहीं लिख सकते, तो अब आपको गेनिंग पार्टनर्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो अब वो निकालते हैं वर्किंग में कि ए और सी में से किसने क्या गेन करा। ए और सी, तो ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/6,
और सी का 1/6 माइनस न्यू शेयर कितना है ए और सी का 3:2, तो 3:2 का मतलब हो गया 3/5, 2/5, तो ए का बताओ कितना आएगा गेन 30, 6 × 18 माइनस कितना आ रहा है 15 माइनस 18 माइनस 3, ठीक है। और जी 30 × 5 = 5, 6 × 2 = 12 माइनस 7, ठीक है। तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो है 3:7 ए और सी का, गेनिंग रेशियो है 3:7। तो करो एंट्री क्या बनेगी, तो 2A 2C, तो 3:7 में बांटो जरा 36,000 और 84,000, तो ये बच्चों जी आपका बन गया आंसर। तो बस, तो आपको मेनली ये याद रखना है रेशो बदल जाने पर PNL सस्पेंस का प्रयोग वर्जित है, सिर्फ गेनिंग पार्टनर ही लिखने हैं फिर आपको, ठीक है जी। तो समझ आया वाला क्वेश्चन भी, चलो बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब ये मैं पढ़ूंगा, मैं करवाऊंगा आपसे। X, Y, Z वर पार्टनर्स इन ए फर्म, ठीक है। Z डाइड ऑन 31 मई, तो इस बार Z मर गया 31 मई को, तो कितने महीने बाद मरा, 2 महीने, ठीक है। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of क्या है, 3 completed years of profit before death। तो हमें उसका प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है, ये कह रहा है, ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर द पिछले 3 साल 2020, 2021, 2022 वर 18,000, 19,000, 17,000, ठीक है। तो ये तो आप कर ही लोगे। कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ये भी आप निकालोगे। एंड पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम व्हेन, केस 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज। तो डज नॉट चेंज में आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे, PNL सस्पेंस अकाउंट। और केस 2 में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस एंड द न्यू रेशियो इज 3:2। तो केस 2 में आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे, मतलब गेनिंग पार्टनर्स को लिखोगे। समझ आ गया, अब एक ही क्वेश्चन से अब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो तो अब एक बार अपने आप करो, फिर 5 मिनट बाद मुझे बताना क्या आंसर्स निकाले। चलो तो काफ़ी बच्चों ने कहा कर लिए, आइए जी। तो केस 1 और केस 2 को करने से पहले तो बताओ शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकाला, ठीक है। तो मैं एक बार वर्किंग दिखा देता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता था। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आपने पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करा 2/12 से, क्योंकि 2 महीने बाद मर गया था वो, और उसको मल्टीप्लाई करा Z के शेयर से जो था 1/3। तो Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 1000। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, सारी वैल्यू समझ आ गई, ठीक है। फिर X और Y का गेनिंग रेशो कितना था, 4:1, ये निकाला सबने। X और Y का पुराना शेयर था, ओल्ड शेयर था 1/3, 1/3, और न्यू शेयर उनका गिवन था दोनों का 3:2। तो इससे हमें पता चल गया कि X का गेन है -4/15 और Y का गेन है -1/15, तो गेनिंग रेशो आ गया 4:1, तो क्लियर। चलो तो वर्किंग तो बस यही थी, अब आपसे एंट्रियां पूछ लेते हैं। तो केस 1 में आपने क्या एंट्री करी, PNL सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2Z, ओके। लेकिन केस 2 में क्या करी,
x डेबिट y डेबिट टू z, z को तो वही 1000 मिलेंगे और 4:1 में बांटोगे तो x डेबिट 800 और y डेबिट 200। ठीक है, तो सबको बिल्कुल क्लियर था ये वाला भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब कुछ होमवर्क के सवाल आपको देते हैं, तो पहले तो वो आप नोट कर लो ताकि तो होमवर्क में 4, 12, 14, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31 तो इसमें हर तरह की वैरायटी कवर हो जाएगी आपकी जो आपने पढ़ा, रेशियो, गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट और कंप्लीट क्वेश्चन। बाकी एक क्वेश्चन आप चाहें बुक से कट कर देना, वो मत करना, क्वेश्चन नंबर 8 उसमें गुडविल रेज करने के लिए कह रहा है, तो वो पोर्शन आप, क्योंकि नहीं पढ़ते हमें, तो वो क्वेश्चन आप चाहें कट कर देना, उसको नहीं करना, ठीक है ना।